आज मैं देखिए आपको मैथ्स सब्जेक्ट में चैप्टर 8 का जो है न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसे ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये हमारा क्या है, देखिए ये एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं तो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए ये एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, और सर्कल में आप देख रहे हैं कि इसमें जो है कुछ ऐसे 5 पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो 5 पार्ट्स में आप देख रहे हैं अच्छी तरह आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 पार्ट्स जो है वो शेड है, शेड किए गए हैं, ठीक है, शेड पार्ट हैं। तो ये और ये पूरा क्या है हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ये 2 जो है शेड पार्ट हैं। तो देखिए शेड पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स, ठीक है। तो ऊपर जो शेड पार्ट होता है वो जो होता है ऊपर वो न्यूमरेटर हम उसको नाम देते हैं, क्या देते हैं, न्यूमरेटर, और अपॉन करके उसके बाद डेनोमिनेटर जो होता है वो टोटल पार्ट होता है हमारा, ठीक है। जैसे ये हमारा एक सर्कल दिया गया है तो इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ये टोटल जो हमारे हैं क्या डेनोमिनेटर में 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो देखिए डेनोमिनेटर में हम ये टोटल पार्ट्स को लिखते हैं और न्यूमरेटर में शेड पार्ट को लिखते हैं। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को शो करते हैं या लिखते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर क्या होता है, शेड पार्ट, और डेनोमिनेटर जो होता है वो पूरा टोटल पार्ट होता है। एग्जाम्पल हमारा देखिए, ये हमारा स्क्वायर दिया गया है, ये हमारा टोटल स्क्वायर जो है वो 8 है, ठीक है, और इसमें शेड पार्ट जो है वो हमारा 5 है, 1 2 3 4 5, 5 को शेड किया गया है। तो शेड पार्ट को जो है हम अपॉन के ऊपर लिखते हैं, ऊपर इस तरह से, देखिए ये 5 लिखा हुआ है, शेड पार्ट 5 लिखा हुआ है, और उसके बाद हम टोटल पार्ट को नीचे लिखते हैं 8, यानी डेनोमिनेटर, पूरे पार्ट को जो है हम डेनोमिनेटर बोलते हैं और शेड पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, यानी 5/8, ठीक है, यानी कि पूरे 8 में से 5 पार्ट जो है हमारा शेड है। इसके बाद हमारा देखिए सी एग्जाम्पल है, ये भी हमारा पूरा टोटल जो है कितना बॉक्स है, 10 बॉक्स है हमारे पास, यानी हमारा डेनोमिनेटर जो है वो 10 है और हमारा न्यूमरेटर कितना है ये अब हम इसको काउंट करेंगे, इस शेड पार्ट को 1 2 3 4 5 6। तो इसका देखिए हम फ्रैक्शन देखते हैं कि क्या है, तो हमारा 6/10 है, यानी ऊपर 6 जो है ये शेड वाला पार्ट है, यानी हमारा ऊपर जो है हमेशा न्यूमरेटर लिखते हैं और नीचे जो है हम टोटल पार्ट्स यानी कि डेनोमिनेटर लिखते हैं। तो टोटल हमारा 10 है पूरा बॉक्स और शेड पार्ट जो है ऊपर 6 है, तो 6/10। ये हमारा बस हमको पहचानना है इन सारे क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है और डेनोमिनेटर क्या होता है। तो न्यूमरेटर हमेशा ही हमारा शेड पार्ट होता है और डेनोमिनेटर जो होता है हमारा वो टोटल पार्ट होता है, ओके, जिसे हम न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं और डेनोमिनेटर को नीचे लिखते हैं, ओके, थैंक यू।